संवाददाता नरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चनन सिंह जी, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर। आज किसानों की तरफ से एफसीआई दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और रणनीति यहाँ पर किसानों ने पहले इसकी तय कर ली है, तो आज क्या कुछ देखने को मिल सकता है और कितने बजे किसानों का ये प्रदर्शन शुरू होगा, पूरी जानकारी विस्तार से जानना चाहेंगे। प्रीति, आज जो कालावाली के जो एफसीआई कार्यालय है उसका घेराव कालावाली क्षेत्र के जो किसान है वो करेंगे और जो किसान किसान सेल के प्रधान है गुरदास सिंह लकड़वाली उनके नेतृत्व में किया जाएगा। तो भारी संख्या में जो किसान है तो वो जुड़ने की संभावना है और जो 10 बजे किसान इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर सरकारी खरीद राष्ट्र व्यवस्था समाप्त करने के प्रयासों के विरोध में जो आज किसान है वो घेराव करेंगे। क्या कोई ज्ञापन यहाँ पर किसी प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा जाएगा इस दौरान, प्रदर्शन के दौरान? आज जो किसान मोर्चे के आह्वान पर जो किसान है वो आज एसडीएम कालावाली को भी ज्ञापन सौंपेंगे जी। जी, इसके अलावा प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितने बजे से किसान जो है एफसीआई दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे? किसान है जो लगभग अभी 10 बजे जुड़ने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो जाएगा और ये जो शाम तक 6 बजे तक चलेगा जी। जी, और वहीं अम्बाला से संवाददाता नरेश सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। नरेश सैनी जी, अम्बाला में कहाँ पर किसानों का जमावड़ा होने वाला है और क्या कुछ वहां पर आज जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत देखने को मिलेगा? ऑफिस है उसके बाहर किसान भारी मात्रा में आज इकट्ठे होंगे और वहां पर अपना धरना देंगे। इसके साथ ही सरकार को वो अपनी जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी उनके साथ जो पोर्टल की दिक्कत आ रही है उसके पोर्टल के चलते जो मैसेज उनको जाता है उसको लेकर भी किसानों को भारी समस्या आ रही है। और 10 बजे यहां पर अम्बाला कैंट के एफसीआई जो ऑफिस है उसके बाहर हजारों की संख्या में किसानों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके साथ ही अपना विरोध जो विरोध प्रदर्शन जो है किसान वहां पर करेंगे और एक ज्ञापन भी सरकार को सौंपेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को लग रहा है कि जो ये मैसेज एक उनको जाता है उसके चलते कहीं ना कहीं उनको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो फसल उनकी तैयार होती है वो मैसेज के हिसाब से नहीं होती, क्योंकि जिस समय मैसेज उनको जाता है तब उनकी फसल को जो है जो संसाधन साधन होते हैं वो कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं होते। दीप्ति जी, बिल्कुल, किसानों को कहीं ना कहीं डर है कि एफसीआई को खत्म कर दिया जाएगा जिसके बाद उनको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जो जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन की रणनीति किसानों ने बनाई है तो भारी संख्या में किसान जुटेंगे एफसीआई दफ्तर के बाहर, ऐसे में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से जो चाक चौबंद है वो पूरी तरह से तैयार है और प्रशासन भी इसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है और पुलिस प्रशासन इसके लिए भारी मात्रा में तैनात किया जाएगा, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कहीं जो विरोध है वो किसान कर रहे हैं और इसके चलते कोई ऐसी जो दिक्कत सामने ना आए जिसके चलते सरकार को भी और किसानों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। क्या एफसीआई दफ्तर के बाहर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, एफसीआई जो ऑफिस है उसके बाहर भारी मात्रा में पुलिस तैनात की जाएगी, इसके साथ ही दोनों डीएसपी को भी वहां पर तैनात किया जाएगा, इसके साथ ही अम्बाला और डीएसपी और इनके साथ ही अम्बाला कैंट जो डीएसपी है वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे, इसके साथ ही भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौजूद रहेगा, क्योंकि किसानों का जो प्रदर्शन है वो काफी हजारों की संख्या में जो किसान है यहाँ पर इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है, इसके साथ ही कोई ऐसी जो सामने दिक्कत ना आए इसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। जी प्रीति जी, चरण जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि कालावाली में यहाँ पर एफसीआई दफ्तर के बाहर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं या की जाएगी? हाँ, कल मेरी थाना प्रभारी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि पीसीआर और जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तैयार है और ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो तो इसलिए पुलिस बल भी लगाया जाएगा जी।
जी ठीक है, पाली से भी संवाददाता सुरेश पवार हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा आज। सुरेश जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आज किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, उसका राजस्थान में किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्रीति, मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको, यहाँ भी बिल्कुल लोगों की भीड़ एकत्र होने शुरू हो गई है, तो भाई किसान भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। जहाँ गंगानगर मुख्य पाली के सुबीरपुर में जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर ऐसे गोदामों के बाहर पुलिस का अभी पहुंचना जारी हो चुका है, और पुलिस द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो इसके लिए प्रशासन कल देर रात्रि से एक्टिव मोड पे है, और बढ़ते हुए कोरोना प्रभाव के बीच में लोगों का सोशल डिस्टेंस रखने के लिए पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। और किसानों का विशेष तौर पर देखा जाए तो पाली में जो सुबेरपुर में सबसे बड़ी मंडी है वहां पर आज सुबह से ही किसान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों की तरफ से जो आज ये प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पर, अगर सुरक्षा की आप बात करें कि सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई है, लेकिन किसानों की तरफ से प्रदर्शन के तौर पर क्या कुछ किया जाएगा? क्या यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा जाएगा? क्या कुछ मुख्य मांगे उसमें रह सकती है? अभी जो जानकारी सूत्रों के अनुसार, जो किसान नेताओं के अनुसार, जो अभी मैं उनसे मिलकर आया हूँ, तो बात सूत्रों से मालूम पड़ा है कि एक आक्रोशित रैली का आयोजन किया जाएगा ऐसे गोदाम के बाद, धरना प्रदर्शन के बाद में यहाँ पर स्थानीय नेता सभाओं को संबोधित करेंगे, इसके बाद में अपनी ये 21 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूरे देश भर में FCI दफ्तरों का घेराव किया जाएगा किसानों की तरफ से।